आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज प्रतापगढ़ जिले के बाबा बेलखरनाथ खंड के अंतर्गत गांव गोई में स्थित पड़ीलन महादेव मंदिर में से राम मंदिर निर्माण संपूर्ण निधि जन जागरण रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री विमल सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बाबा बेलखरनाथ प्रथम संयोजक संगम लाल विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष उदय राज पाठक जी, बाबा बेलखरनाथ खंड उपाध्यक्ष रविन्द्र त्रिपाठी जी, बाबा बेलखरनाथ धाम के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहखंड कार्यवाह अजय मिश्र जी रहे। रैली के पथ संचालन गोई चौपाई धुती संगापट्टी गजरिया उड़िया 13 मील दीवानगंज होते हुए रखा बाजार में इसका समापन हुआ। ये चलकर आपका क्या कार्य होगा समाज के लिए? हमारा लक्ष्य सिर्फ राष्ट्र और धर्म, हिंदुओं के अंदर धर्म की भावना जगाना और युवाओं को इस रास्ते पर लेकर चलना हमारा पूरा अथक प्रयास रहता है और आगे भी यही रहेगा। क्या आपको भाजपा पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं, भाजपा पार्टी से कभी नहीं। हमारे साथ अन्य तमाम भागवत प्रेमी यहाँ पर हैं जो राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ये जानते हैं इसी क्रम में उनका क्या कहना। भगवान लगभग 500 वर्षों के इंतजार में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है और समाज से हमारा आह्वान है कि जो भी अपने आप को राम का पूर्वज मानता है, जो भी राम को अपना पूर्वज मानता है, वो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना योगदान जरूर करे। जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं उस समय में हमारे तमाम नवयुवक आज राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए, इस कार्य को करने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं आपकी इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। इसके प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम है, उन्हीं के जीवन को मैंने पढ़ा है। कभी करियर के बारे में? करियर है अपना, वो भी चलता है, अपना पर्सनल काम है, अपना व्यवसाय है, अपने व्यवसाय के साथ अपने काम के साथ सामाजिक काम भी, राष्ट्र का काम हो, यही सब चलता है। राम मंदिर निर्माण में आप लोग आम जनमानस को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम राम मंदिर निर्माण में हमारा विश्व हिंदू परिषद संगठन है, संगठन कूपन दिया है और रसीद दी है, तो वो कूपन उसी रसीद से उतनी ही राशि हम लोग लेंगे जितना उसमें दिया गया है, उससे अधिक नहीं। और कोई बात? हमारे बीच सबसे वयोवृद्ध हमारे पंडित जी हैं। आइए जानते हैं कि आप तो हम लोगों से काफ़ी उम्र दराज हैं, आपने बड़ा ही संघर्ष किया है इस मंदिर के कार्य को आगे ले जाने के लिए, आज आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? ये बहुत ही हम सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज ये दिन हम सबको देखने को मिलता, खास करके आज की युवा पीढ़ी, कि हम ये भव्य मंदिर को देख के आज के युवा पीढ़ी के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम की जागृति हो, ये दिव्य दर्शन करा सकेंगे, ये सब लोगों के लिए एक अनुभूति हम सब की है। और ये भाग्य, हम सब सौभाग्यशाली हैं इसकी, सनातन धर्म की जो इतनी दिव्य भव्य मंदिर जो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम बनेगा ये। और हम सब सनातन धर्मियों से निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़ के जितना भी आप सब हो सकता है इसमें कृपया करके आप सब लोग सहयोग करें ताकि ये राम मंदिर हम सब की ये सबसे बड़ी सनातन धरोहर रही है। ये धरोहर की पूंजी को संयोग के रखना हम सब का लक्ष्य है। ये श्री राधे, जय श्री राम। हम सब के बीच बाबा बेलखरनाथ महादेव मंदिर के विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी पंडित जी भी यहाँ पर हैं। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या विचार। हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम जितने ही हैं सब अपने कर्मों को सब करते हैं, मगर फल देने वाला तो वही है।